फिर बैठे तब तक हम देखेंगे अपनी शादी। या मैं फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। पति अपनी पत्नी को सरेआम मारता। कौन लाएंगे अभी आए हम? ठीक है अभी आए हम चीजें। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं आई उधर छत पे और इतनी तेज हवा चल रही है ना। तो प्याज लगाने के लिए। अच्छा ये धनिया चालू राजमा राजमा। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बन रहा है, देखो इतनी यमी यमी परांठे। और कौन बना रहा है? मास्टर शेफ दलजीत ठाकुर। दलजीत इतनी यमी परांठे बना रहा है गाइस, आप मेरा विश्वास करो। हम ठेला खोलेंगे तो आप भाग भाग के आओगे हमारे घर परांठी खाने आओगे। चलो मैं दूध। चलो हम दूध बनाते हैं, दूध बनाते हैं। यार मैं खोल तो रही हूँ इसको, फिर मुझे लग रहा है वेस्ट ही कर देंगे हम उसको। हम तो ऐसे पैकेट लाना ही नहीं पड़ता क्योंकि हम उतना पीते हैं नहीं। ये अच्छी बात डेली ब्रेकफास्ट में बहुत मम्मी को बोल देंगे डेली जगह वो ठीक वही खा दो दिन बाद दो दिन की बोतल पर उस पर बन रहा है। ये हमारे पराठे बन रहे हैं भर भर के। दलजीत ने भर भर के स्टफिंग डाली थी। दलजीत के परांठे में परांठे को जहाँ से भी फाड़ोगे ना आपको वहाँ से स्टफिंग ही निकलेगी। और मेरे तो फटे जाते हैं बनाते बनाते। बट ये देखना यार गैस को इग्नोर करो ठीक है, इनके कहीं से भी नहीं फटे है। हमारा भोजन ब्रेकफास्ट हुआ। दलजीत को कितना यार कैसे खा लेते आप ऐसा इतना चित। पहले ही मैंने परांठे में इतना मतलब इसमें घी डाला तले मैंने बनाया दलजीत ने। देखो पूरी थाली की साइज का है और देखो कितना तल तला गया हुआ है। नो तो बटर में ब्लैक सॉल्ट ले गया तेल ले लो रमी तो है। एट बजकर 20 मिनट दिन को हम लोग गए थे थोड़ी देर पाठ बंगला क्योंकि लव स्टार्ट होने वाली। तो लव से पहले यहाँ पे होती है अष्ट प्रदर्शनी जिसमें ये घोड़ों की रेस वगैरह होती है। और तो फिर हम वही देखने गए थे थोड़ी देर और शाम के टाइम हम निकल गए थे घर। फिर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है कितना हो रहा है जल्दी 10 बज रहे हैं अभी। और पिछले कल जो है मैं आ गई थी अपने घर गाइज। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग गए यहाँ निथर में, अभी हम लोग जाएंगे शायद गांव वाले घर थोड़ी देर में जाएंगे। अभी जाने का वैसे दलजीत मेरा और मम्मी का हो रहा है, पापा देखेंगे पापा आएंगे तो जैसा जैसा होगा देखेंगे। बाकी मस्त सुबह हुई एकदम, अभी 10 बजे से एकदम मैं सो के उठी और मैंने फ़ोन उठाया। कल आपको ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा अभी चलो सुबह उठ के ही शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मैं तैयार हो गई हूँ फ्रेश हो गई हूँ। होले होले चल मोरे साजना हम भी पीछे है तुम्हारे। गाइस तो हम पहुँचने वाले हैं, वो रहा हमारा गाँव 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 गाँव। ये हमने ली है चीजी थोड़े बहुत से ये कप केक लिए हुए और ये अंकल ने मेरे को गिफ्ट दिया पूरा। निकल रहा है बरसात के टाइम पहुंच चुके हैं हम मम। और पापा नहीं आए, पापा को पड़ गया थोड़ा सा काम तो हम तीन ही जा रहे हैं। एक रहे हमारे हमारी मम्मा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि तांशु घर आ गया। तांशु उधर मेरे को पहचानेगी वो कि नहीं पहचानेगी मेरे को, उसकी बहुत बुरी लग रही है। तो प्याज लगाने के लिए। अच्छा ये क्या ये मिर्ची थी लाई है? ये तो हो चुके हैं। हाय मजा आ गया गाइस, मजा आ गया हमें तो। ओ भाई प्रो बने हुए। आइए पधारिए हे टप्पू के पापा। हेलो 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 कर काका काके ताशु कैसे हो आप? ठीक है ठीक है। चीजी चचिया कौन सा फेवर जी? अच्छा ये दो, ये लो पकड़े वाला गोले। बाय कर बाय स्माइल कर दो
स्माइल। हाय वेदी, मस्त धूप लगी है ना गाइस, मजा आ रहा है यहाँ बैठ के। माता जी लगा रहे झाड़ू। ए देखो गाइस, हरी पिपड़ी, सॉरी लाल पिपड़ी। इधर इस इंसान को बस बॉलिंग करने की यार कुछ नहीं आता, ये 24 घंटे जब बॉलिंग करता रहता है। मुन्नू दादा अमरूद भी लगे वहाँ पे देख रहे, दादी है यहाँ पे। ये देखो ये पूरी गाय ने पॉटी की बोलते, और आंटी अंदर गाय धो रहे अभी। ये देखो ये बहुत ही शरीफ गाय है, अगर कोई और गाय ना दिख रही कुछ कर भी सकती, बर्थडे को बेचारी कैसे चुपचाप एक गाय चुपचाप बैठी हुई है। दून दे दादी को, चल मम्मी अभी गए वहाँ, वो रात में उठा रहे। चल काका नहीं जाना परे, चल नहीं। ये देखो गाइज ये वाले पत्थर दिख रहे हैं, ये होते थे वो आटे पीसने वाले, ऐसे यहाँ से इसमें वो लगता था, फिर इसमें ऐसे गूंथते थे, गूंथते नहीं पीसते थे। ये इतनी शरारती है ना भाई। ये देखो मुनमुन भी आ गया हमारी मार। हाय इतना मस्त है ना यार। तो मामा भी गए खे, दलजीत गया आगे, हम थोड़ी देर से जाएंगे वापस हम लोग नित्थर, और तब तक मैं सोच रही हूँ जब तक वो लोग आते हैं सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाते हो, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद यहाँ आ रहे हैं तो कुछ सामान ज़्यादा मटेरियल वगैरह कुछ है भी नहीं, तो पानी पूरी पड़ी है, मैं सोच रही हूँ पानी पूरी ही बना देती हूँ सबके लिए थोड़ा। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद मतलब घर में ये वाली चप्पल पहन, डोरा के डर से ये चप्पलें पहननी ही नहीं पड़ती थी, वो मतलब इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर से टैडी नहीं होता, वो इनके इसके पीछे ऐसे पड़ जाती थी ना, मतलब खाने के लिए आती थी और चप्पल लेके भाग जाती थी सारे में। तो जब ऐसे ऐसी चीज़ें याद आती ना मतलब किसी भी चीज़ के साथ, तो मतलब मम्मा ना पता क्या करते हैं, मम्मा का एक सूट है तो ब्लैक कलर का सूट है वो, तो उसमें ना मतलब पजामे में मम्मी के सारे के डोरा के बाल फंसे, मम्मी ने वो सूट उस दिन से ना धोया है ना पहना है, और संभाल के रखा है कि मेरे डोरा की आखिरी निशानी है ये। तो मतलब मैं इतना वो हो जाती हूँ ना, मेरी मम्मी हम यार पता नहीं, पर हम ना डोरा को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ में, हर खाने वक्त भी, मतलब जब कुछ ऐसा होता है जो डोरा का फेवरेट होता तो इतनी रोना आता है ना, मतलब बहुत याद आती है उसके। तो अभी हम थोड़ी देर बाहर बैठ के खाएंगे यहाँ पर कप केक, मम्मी भी वहाँ आ गया और दर्जी तो उधर है आगे, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ बैठ के कप केक खाती हूँ क्योंकि भूख सी लगने लग गई है, और जब तक मम्मी जब मम्मी आएंगे फिर हम बनाएंगे गोलगप्पे। से मम्मी पहुँचे गए वहाँ पर, क्या क्या लाए भाई साहब? धनिया, चालू, राजमा सब। ये देखो आज मैंने चप्पल पहन ली, मैंने डोरा फिटोर से तो पहन ही नहीं भर दी थी पीछे, और हाँ। भी है वहाँ, हाँ और भी है पर मैंने यही निकाले। लो एक बाइट लो, एक बाइट लो, अपना खा रहे, अपना खाऊंगी मैं तो फिर ठीक है। पिछले वालों की तरह बना आपने तो, मैं बोले यही एनो धनियो मेरे, नहीं जी मारे मारे सींग वाला धनिया। घर में तुम्हारा हो गया तुम्हारा भी लाए थे भी घर से? नहीं मैं नहीं आया। तूने खा दे? डालती हूँ मम्मी ला तो। तो ये हमने यहाँ पे रखे थे कुलत, एक दाना भी, लिटरली गाइस एक दाना, किसको बोलती है, एक दाना भी इससे नहीं निकला। तो मम्मी इसका ये घास फेंक रहे हैं, नीचे इसमें आग लगाएंगे। ये ताऊ ने सुखाया है यहाँ पे कड़वे करेले, यहाँ पे भी सुखाए हैं कड़वे करेले, थोड़ी सी राजमा, ये देखो अब इनको ऐसे सुखाएंगे और विंटर में मस्त इनका मजा लेंगे। और जो ऐसी सुखाई हुई इतने खासकर वो काई की होती है, वो लौकी, वो मेरे को बड़ी टेस्टी लगती है लौकी। पर ले आनी है चोरे आप, ये देखो गाइस नारंगियाँ, मतलब बहुत अच्छी फ्रेश होनी थी, बट देखो पेड़ जल गया क्योंकि मम्मी ने यहाँ पर जलाया कचरा, ऐसे ये घास जलाया
और वो हवा के झोंके से ये जल गया सारा। और वहां देखो वहां पे भी एक पेड़। किसी मंजिल की फिकर थी। तो अभी मम्मी और ओ भाई 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 मम्मी और मैं लगे हैं सारे सामान वगैरह की सेटिंग करने, क्योंकि इस वाले रूम में ना बस हम शादी के बाद कभी एंटर हुए ही नहीं। और ये देख रहे हो इसमें ये ऐसी कपड़ों की ढेर लगा रखी है और सिल्वर फिश फंस लग गई है इसमें, तो वो सिल्वर फिश कितनी गंदी होती है। तो अभी हम वही सारा सामान पहले बाहर निकालेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा यहाँ पर हम सफाई करके जाएंगे और बाय। मम्मी मैं कितनी बकवास करती हूँ ना, मम्मी को बोले तेरी वीडियो देखे कुछ मज़ा ही नहीं आता, बोलते झपट 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 ऐसे करती है, कुछ समझ नहीं आती, फास्ट बोलती है, आराम से बोला कर, टिक के बोला कर। तो अभी हम पहले सफाई कर लेते दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं। बाय जी। आपके आगमन पर एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आप आए हैं इस बगिया में, आप आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आज देखिए गाइस अपनी एक पति अपनी पत्नी को सरेआम मरता हुआ। मेरे को तो ये मेरी है, घर पहनने वाली मोटी। हाँ तो अभी हम लोग लगे पैकिंग शैकिंग करना। देख रहे क्या मेरे कुछ सर्दी के कपड़े, वैसे मैं सारे नहीं लेके जा रही हूँ, बस एक दो जो मेरे कभी पहनने के काम आएंगे वो लेके जा रही हूँ, बाकी मैं सारे यहीं रख रही हूँ। तो बता दी अभी हम आपको दे रहे हैं अमरूद निकाल के, इच्छी कैमरा कितना गंदा हुआ है, थोड़ी थोड़ी निकाल दी, पक जाएंगे फिर। खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल अभी इसमें काका है, ये किसका काका है? शो बोला शो नहीं सो रहा है, मारो इसको, मारो मारो जोर से, मारो इसको, सो नहीं रहा है। हाँ और जोर से। दादी मैं बैठे इधर, लाइट है नहीं गाइस, लाइट चले गए। दादी और मम्मी बैठे हैं इधर, कौन सी? ओके बैठना मतलब नानी, सब लोग इधर बैठे, तब तक हम देखेंगे अपनी शादी की एल्बम। पोज गाइस पोज। इतना काजल क्यों लगाया था हैं बोल भाई, तब तो बहुत ही काजल लगाया हुआ था इसने। ये देखो कौन है गोरा तश, कौन है गोवा? गोवा बोलती है डोरा को, गोवा। तू चोर है, तू चोर। ये हमारा पुनपुनिया, बाय पुनपुन। ओ मेरे कॉक बाय, नहीं हम आएंगे, अभी आए हम, ठीक है अभी आए हम, चीजी लेके हो चीजी लाएंगे हम, ठीक है। तो वापस आ रहे हम लोग अभी नित्थर, फिर वैसे कपड़े वगैरह डाले मैंने अपने पीछे, बात करती क्योंकि बहुत भारी आते हैं अभी। हाय गाइस, तो अभी पहुंच रहे हम लोग नित्थर, मम्मी और दलजीत पीछे सामान निकाल रहे हैं और मैं चल पड़ी हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं उधर छत पे, और इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पे, इतनी खतरनाक वाली हवा चलती है ना, मतलब वाली हवा चलती है। अभी ऐसे धूप में है ना, पर धूप का भी कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ही तगड़े वाली हवा चल रही है। मेरे को लगा था थोड़ी देर ऊपर जाती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सर दर्द, पता नहीं अजीब सी सर दर्द हो रही है मेरे को, थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हम लोग यहाँ पे घर पे, तो इतनी गंदी वाली सर दर्द हुई तो मैंने धाड़ू से फिट मान लिया, बट हवा ऐसी तगड़ी चल रही है ना, देखो इतनी सर सर करके हवा चल रही है, सर करके हवा।
दोस्तों तो फिर हम वापस आ रामपुर और अपनी इसको ऐसे ही लेके जा रही हूँ, पीछे से मन कर रहा था मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही लेके जा रही हूँ बस। वहाँ पर देखो ये है दिवाली के उसमें क्या बोलते हैं रोड़ा जला रहे, क्या बोलते थे सॉरी मुझे पता ही नहीं है। तो अब इसको हर दिन जलाते हैं दिवाली तक, जब जब दिवाली होती है उस दिन यहाँ पे काफी अच्छा फंक्शन होता है। बाय जी, तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए रामपुर और क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी पापा की बहुत बुरी आ रही है। मम्मी का भी फोन आया तो भी मम्मी बोल रहे हैं कि घर ना ऐसे खाने को आ रहा है, बोलते अकेला अकेला और लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरा भी मूड ऐसे ही हो गया, अब कुछ करने का नहीं कर रहा। और ये देखो मैं अपने सारे छुटकू बुटकू साथ लाई हूँ आज मम्मी बोलते ले जा वैसे भी ने हमारा स्पेस कवर करके रखा हुआ है। मैंने बोला यार मेरे को तो रूम में इतने क्यूट लगते, मैं तो चाहती हूँ मेरा पूरा रूम में इनसे भरा हुआ स्पेस कवर करने वाली क्या बात है। तो फिर उनको अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं तो मैं इनको साथ लेकर आई। बाहर देखो हमारे दलजीत ठाकुर जी, पीछे देखो एक पीछे मोटा पीछे सोया हुआ है।